हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्रा बीएससी सेकेंड ईयर में है, होम साइंस का फर्स्ट पेपर है, 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2022 में आने वाले क्वेश्चन, मैं आपसे वादा करता हूं ये लगभग 18 से 19 क्वेश्चन होंगे। बेटा याद कर लेना ध्यान से, 18 से 19 क्वेश्चन याद करके आप ला सकते हो 85% प्लस, मतलब कि 85% यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। यदि आप इतने क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन क्या बेटा? बाहर नहीं जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से। और मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से देख लेना, इसके अलावा कुछ और मत याद करना, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, और कुछ मत पढ़ना। जो क्वेश्चन बता रहा हूं बस इतना पढ़ लो, कुछ भी मत पढ़ना, यही सारे इंपोर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम से दो दिन पहले मैं एग्जाम से दो दिन आपको एग्जाम मान लो आज है, उससे दो दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। इनमें से ही 10 क्वेश्चन होंगे, बस उतना पढ़ लेना। आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, इतने अच्छे नंबर से पास होगी तुम कभी सोच नहीं सकती, तुम समझ रहे हो ना? तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, होम साइंस का फर्स्ट पेपर है आपका। तो सभी लोग अपने बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी आपके आपने परचेज किए हैं वहां से, शॉप से, तो उसपे उससे तैयारी, मतलब उस पर टिक लगा लो ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सको, और उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके गैस पेपर में बहुत सारे होंगे लेकिन सब नहीं पढ़ना है, जो बता रहा हूं वो पढ़ना है, तो टिक लगा लो। या आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो नोट्स हम दे देंगे आपको, नोट्स हम दे देंगे, वहां से आप तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स को डाउनलोड कर सकती हो आप सभी लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है डाउनलोड करने में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करो, ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा। यार हमारा मकसद ये है कि आप अच्छे नंबर से पास हो, एक आप अच्छी, देखो जब पढ़ाई कर रही हो ना तो परसेंटेज बहुत जरूरी है ना? तो अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो, जो एग्जाम में आए वो पढ़ो। तो देखो यहां आपको पता है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे सभी लोग। पोषण का अर्थ क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण की परिभाषा बताओ, भोजन का कार्य क्या होता है और कुपोषण क्या होता है, इन सभी को आप पढ़ेंगे। कुपोषण क्या है, पोषण क्या होता है, भोजन का कार्य क्या होते हैं और उनका कुपोषण क्या होता है। ठीक है, ना खाने से कुपोषण होगा तो बहुत से देखेंगे। उसके बाद में देखो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो पदार्थों को देखेंगे, खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ क्या होते हैं वो आप याद करेंगे। ऊर्जा और जो कैलोरी होती है उसकी परिभाषा, ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, कैलोरी की परिभाषा क्या होती है वो याद करेंगे। इस पर टिक लगाओ बेटा, कैलोरी की परिभाषा पर टिक लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में है संतुलित आहार क्या होता है, बेटा संतुलित आहार क्या होता है, प्रवाहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, संतुलित आहार को प्रवाहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो आ रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप सभी लोग। यहां बोला गया है भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके स्रोत, कार्य और शोषण, कमी, ये सब कुछ आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखेंगे। जैसे कि आप कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है भोजन में आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है, जल होता है, विटामिन आल, सभी प्रकार के विटामिनों को देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे आप सभी लोग, लगाओ बेटा इस क्वेश्चन पे आपसे लगाओ, टिक लगाओ, देखो सब लगा लिए। अभी देखो यहाँ कह रहा है पाचन, पाचन की विधि और पाचन अंग क्या होते हैं, पाचन की विधि और पाचन के अंग, ठीक है, अंग देख लेंगे, पाचन की विधि क्या होती है। उसके बाद में पाचन अंग जैसे कि छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, इंटेस्टेड हो गया हमारा, अग्राशय जैसे कहते हैं, उनके सारे अंग आपको बताना होना चाहिए। और आधारभूत कह रहा है, आधारभूत सात भोज्य समूह कौन कौन से होते हैं, देखिए आधारभूत सात भोज्य समूह कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ कह रहा है बेसिक सर्विस फूड एंड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, वो आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे टिक लगाना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाओ, पूरा दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, पूरा दिख रहा है ना, हाँ। तो उसके बाद में क्या है, देखो दूध और दूध के उत्पादन कैसे होता है, दूध क्या है, दूध का उत्पादन कैसे होता है वो आप देखेंगे। किशोर अवस्था में संतुलित आहार देना क्यों आवश्यक है, देखो किशोर अवस्था है तो किशोर अवस्था में संतुलित आहार देना क्यों आवश्यक होता है, इस पे आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। गर्भ अवस्था में पोषण जो कैसे पोषणात्मक आवश्यक क्यों होता है, देखो जो पोषणात्मक आवश्यक क्यों होता है, मतलब गर्भा कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, जब प्रेग्नेंट है वो तो उसमें क्या होगा, पोषण तत्व हम देते हैं उनके लिए खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चा है वो अच्छा तंदुरुस्त रहे और माँ भी उसके तंदुरुस्त रहे, तो वो क्यों आवश्यक है। और एक दिन में आहार जो नियोजन है कितना देना चाहिए, एक गर्भवती औरत है पहला है, ठीक है, मतलब कि प्रेग्नेंट एक औरत है तो उसे एक दिन में कितना आहार देना चाहिए, कितनी कैलोरी उन्हें जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ आपको जरूरी है क्योंकि आप एक महिला है इसमें, लेकिन कुछ कंडीशन आपको ये सारे जो कंडीशन है ह्यूमन, मतलब जो होम साइंस के अंतर्गत आपके ही रिलेटेड सारी जितनी बीमारियां होती है, कौन कौन सा होता है, मतलब
आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपको कौन सा कितना आहार लेना चाहिए, वो सब आपको बहुत जरूरी है जानना, ताकि आप अगले से अपनी सेहत का ध्यान रख सके। ये आपके ही रिलेटेड होगा, क्योंकि आपके भविष्य में ही सब कुछ देखने को मिलेगा। वही चीज यहाँ बोला गया है, यहाँ बोला गया है वृद्धावस्था क्या होती है। देखो वृद्धावस्था की बात है, जो ग्रोथ अवस्था होती है उसकी बात की जा रही है, और दैनिक आहार और तालिका का तालिका बनाइए। दैनिक आहार कौन सी तालिका देनी चाहिए, कितनी आपको तालिका बनानी है, और भोजन बनाने की देखो क्या कह रहा है, भोजन बनाने की विधि क्या होती है। देखो भोजन भी आपको ही बनाना है, सिंपल तरीका यही हो गया ना, भोजन ही आपको बनाना है, तो भोजन बनाने की विधि आपको पता होनी चाहिए। ये सब आप कब देखेंगे, ठीक है, ये सब कुछ आप याद करेंगे, ओके। जस्ट मोमेंट रुकेंगे बेटा, टिक लगा लो, तब तक टिक लगा लो। रिटेक्शन बहुत डाल रही है, आंखों पे दर्द कर रही है बहुत ज्यादा ही। उसके देखो उसके बाद भोजन की बनाने की विधि भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। भोजन पदार्थों में देखो, भोजन पदार्थों में जो मिलावट का वर्णन है, मतलब भोजन के पदार्थों में जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन कह सकते हैं या भोज्य पदार्थ जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, उनके मिलावट का वर्णन करना है, और उनकी हम जांच किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, उनकी हम जांच किस प्रकार से कर सकते हैं, वो देखे है। भोज्य पदार्थ मतलब भोजन वही हुआ, और उसमें बनावट किस प्रकार से होती है, और उसके जांच किस प्रकार से करेंगे भोज्य पदार्थों की। यहां बोला गया है भोजन जो विषाक्तता क्या है, और इसमें एक पूछा जाता है RDA, जिसे कहते हैं वास्तविक आहरणीय मात्रा क्या होती है, आप वो देखेंगे, मतलब आहार की वास्तविक मात्रा RDA होता है वो कितनी होती है। सुरक्षात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, सुरक्षात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं बेटा, सुरक्षात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की आयु यहां देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां बोला गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्येक व्यक्ति देखो कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा के अनुसार व्यय होती है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में शरीर में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा के अनुसार व्यय होती है, कितनी ऊर्जा व्यय होती है वो आपको बताना है पूरा, ये सुरक्षात्मक तत्व के बारे में कितना व्यय होता है एक बार में, तो वो सब चीज आपको यहाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये सारे हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारा नोट्स होगा वो आपका रिटन एग्जाम के थ्रू होगा, साथ ही साथ हमने उसमें MCQ भी ऐड कर लेंगे बेटा, MCQ भी उसी नोट्स में ऐड कर लेंगे, थोड़ा बड़ा नोट्स हो जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ कह रहा है वर्षा, देखो कह रहा है वर्षा के जल की विशेषता आपको बतानी है, वर्षा का जो जल होता है उसकी क्या विशेषता होती है वो याद करना है। अंकुरण क्या होता है उसको आप याद कर लेना है, अंकुरण बहुत ज्यादा। किशोर बालिका के लिए पोषण क्या क्या होते हैं, कोई किशोर बालिका है उसके लिए क्या क्या पोषण देना जरूरी है, और बस लास्ट में हम दो क्वेश्चन और कहेंगे, जिसे कहते हैं गर्भ अवस्था के दौरान पोषण का वर्णन करना है। मैंने बताया ना, जो प्रेग्नेंट जो लड़कियां होती हैं, औरत फीमेल होती है प्रेग्नेंट होती है, तो उनके लिए कौन कौन से पोषण देना चाहिए बहुत जरूरी है, ये आप बहुत जरूरी, क्योंकि देखो आपकी लाइफ इससे ही रिलेटेड होगी, एक दिन ये कंडीशन आपके साथ होगी, तो आपको कौन कौन से पोषण लेना चाहिए, क्या हो सकता है अपने बच्चे को जो आपका होने वाला बेबी होगा उसको आप किस प्रकार से क्या दोगे, माँ का दूध 6 महीने तक पिलाते रहना चाहिए, मतलब जो खुद का दूध पिलाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसको पानी पिला रहे, ऐसा होता है ना बहुत सारी फीमेल करती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक उसे प्यास भी लगती है ना, तो उसे माँ का ही दूध दो, सबसे बेहतर है दूध ही पिलाओ, ठीक है, वहीं से सब कुछ पूर्ति होती है, कोई जरूरत नहीं होती पानी पिलाने की। देखो यहाँ कह रहा है, ठीक है, प्रेशर कुकर के बारे में याद कर लेना, और यहाँ कह रहा है भाप के दबाव द्वारा पकाने का सिद्धांत। अब भोजन को हम भाप के द्वारा पकाते हैं तो किसके द्वारा पकाते हैं, भाप के द्वारा, तो आप जानते हैं प्रेशर कुकर के बारे में पूरा वर्णन कर देना है, और भाप पकाने का सिद्धांत आपको बता देना है। बस इतने क्वेश्चन है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं कह रहा है यहाँ की, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पढ़ लो आप, बस इतने क्वेश्चन याद करके आप 85% ला सकते हो, मतलब कि 85% यहीं से आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी यूपी के आल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यूपी आल यूनिवर्सिटी में, और मैं सब यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जो केवल 10 क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम से 2 दिन पहले दूंगा, जो 2 दिन पहले दूंगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए बना दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप ये पढ़ो, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कौन आपसे क्या कहता है कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर विश्वास करो, मैं आप पे विश्वास करता हूं, ठीक है। तो सच बता रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड लव यू दिल से।